लेकिन इसी एनआईए की रेड से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी भी चलिए आपको बताते हैं। देखिए ये छापेमारी पूरे देश में 51 जगहों पर एक साथ की जा रही है। इसके अलावा 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी सुबह से एक साथ जारी है। खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर के नेटवर्क पर शिकंजा इसके जरिए कसने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसी छापेमारी के दौरान फिरोजपुर से अर्श डल्ला का करीबी जोन्स उर्फ जोर को गिरफ्तार भी किया गया है। मतलब न सिर्फ छापेमारी जो करीबी उनके रहे हैं, अब उन तक भी शिकंजा कसा जा रहा है। एनआईए की छापेमारी लॉरेंस बम्बीहा गैंग के करीबियों के ठिकानों पर की जा रही है। इसके अलावा अर्श डल्ला गैंग के करीबियों के ठिकानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। फिरोजपुर से गिरफ्तार हुआ शख्स अर्श डल्ला का ही करीबी बताया जा रहा है। अब 3 मामलों की जांच के लिए एनआईए की यह छापेमारी आज अलग अलग जगहों पर दिखाई दी है। और एनआईए ने आज जो देश के 6 राज्यों में खालिस्तानी और गैंगस्टरों के नेक्सस को तोड़ने के लिए एक्शन शुरू किया है, उसके पीछे की वजह भी समझनी जरूरी है। देखिए, विदेश में जो खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर बैठे हैं, उनका भारत के अलग अलग शहरों में भी नेटवर्क सक्रिय है। विदेश में खालिस्तानी समर्थकों का नेटवर्क भारत में ओवरग्राउंड वर्करों को हवाला के जरिए फंडिंग कर रहे हैं और ये फंडिंग हो रही है ड्रग्स और हथियारों के लिए। फंडिंग की इसी चेन को तोड़ने के लिए एनआईए ने अपना एक्शन शुरू किया है। एनआईए ने खालिस्तानी आईएसआई और गैंगस्टरों के नेक्सस पर कई सारे इनपुट इकट्ठा किए हैं। यूएपीए के तहत गिरफ्तार आरोपियों से जो पूछताछ की गई और उनसे जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है। ये हमने आपको बताया किस तरीके से जानकारी जुटाई गई है।